मुंबई में हुए एक पत्रकार परिषद में भाजपा के प्रवक्ता ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिन्होंने साफ कहा है कि 11 अगस्त को हुए मोर्चे में 52 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें पुलिस का भी समावेश है। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसुलूकी की गई थी। बीजेपी के प्रवक्ता माधव भंडारी ने शनिवार को हुए पत्रकार परिषद में उन तस्वीरों को भी दिखाया जिसमें रजा अकादमी के मौलाना मोइन मियां आरआर पाटिल से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी थी, जिसमें 12 लोगों का नाम भी दिया गया था। ये सभी मिलकर दंगा भड़का सकते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? आखिरकार पुलिस की क्या मजबूरी थी? इस तरह के सनसनीखेज खुलासे माधव भंडारी ने पत्रकार परिषद में किए। पिक्चर किसी के साथ भी निकल सकते हैं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये तस्वीर जिस तरीके से खींची गई है, ये कोई जल्दबाजी में और जाते जाते भाई अब मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, जरा आप खींचिए, इस तरीके से खींची गई तस्वीर नहीं है, ये फुर्सत से खींची गई तस्वीर है। और जिस तरह से दोनों तरफ दो मंत्री खड़े हैं, तो ये दोनों जानते हैं ये व्यक्ति कौन है, ये बिगर पहचाने हुए ये तस्वीर नहीं खींची गई है। मैं ये भी मानता हूँ कि जिस दिन ये तस्वीर खींची गई है उस दिन ये शख्स आरोपी नहीं था, ये मैं भी मानता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन भी वो आरोपी था और फिर भी ये तस्वीर खींची गई है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन ये इस तस्वीर से जो रिलेशनशिप दिखाई देती है, उस रिलेशनशिप की वजह से पुलिस को नरमी से बरताना पड़ता है। वेन द पॉलिटिशियंस एंड स्पेसिफिकली मिनिस्टर्स आर हबनॉबिंग विद सच पर्सनैलिटीज, पुलिस कैनॉट गो फर्दर एंड दे कैनॉट टेक एनी स्टर्न एक्शन। एंड होल मैटर रिगार्डिंग द 11th August राइट, दैट पुलिस फोर्स हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, नॉट फॉरगेट स्टर्न, नॉट टेकन एनी एक्शन। 9 तारीख को पुलिस को, गृह मंत्रालय को, मैं पुलिस के कमिश्नर को ये लेटर दिया गया कि मुंबई में कोई बड़ा हादसा करवाने की कोशिश है, और वो भी वेग लेटर नहीं था। कौन करवाने की कोशिश कर रहा है, कौन से एरिया से कर रहा है, उसकी सारी मालूमात उस पे लेटर में दी गई है। जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है वो व्यक्ति भी, वो शख्स भी पुलिस के रिकॉर्ड में जिसको हिस्ट्री शीटर कहते हैं वैसा है। उसको 17 अप्रैल को तड़ीपार करने का डिसीजन पुलिस ने लिया है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में ये इल्जाम करने के बाद पुलिस ने उसकी कोई छानबीन नहीं की है, जो करना जरूरी था। और वो कर होने के बाद 9 तारीख को ये लेटर दिया, 11 तारीख को ये दंगा हुआ, 14 तारीख को इसी व्यक्ति ने फिर से पुलिस को जानकारी दी है, 12 लोगों के नाम दिए हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो अगर कोई आम आदमी आगे आकर दंगा फसाद कराने के बारे में जानकारी पुलिस को दे रहा है, सरकार को दे रहा है, तो उसके बारे में कदम उठाना, उसके बारे में कार्रवाई करना, ये पुलिस की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमेशा ये कहा जाता है कि हमें जानकारी नहीं मिली, हमको किसी ने बताया नहीं, इंटेलिजेंस फेल्यूर कहा जाता है। लेकिन पुणे में हुए बम ब्लास्ट और मुंबई का दंगा, दोनों के बारे में आम लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी। ये था माधव भंडारी का सनसनीखेज खुलासा, जिसमें हमारे देश के अफसर और नेताओं के बारे में बताया गया। वही जब इसी विषय पर गृह मंत्री आर आर पाटिल से बात की गई, तब उनका कहना था कि जिस प्रकार की तस्वीरें दिखाई गई है, उस तरह की तस्वीरें मैं भी बीजेपी की दिखा सकता हूँ। इसमें कैसे सच्चाई हो सकती है, बीजेपी के लोग क्या बोलेंगे, इसका मुझे पता नहीं। सर मैंने बता दे, एक गृह मंत्री के नाते लोग मिलते, हमेशा मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं उनके फोटो बीजेपी के कुछ लोगों के साथ भी दिखा सकता हूँ। फिलहाल आबा यानी आर आर पाटिल अपना पक्ष रखकर चले गए। अब क्या सच है और क्या अफसाना, जब तक सच्चाई के तह तक नहीं पहुंचते, तब तक ये राज शायद ही राज रहेगा कि कौन था दंगा भड़काने वाला। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।